नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों MPPSC ने बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है 2023 का। दोस्तों दूसरा न्यू कैलेंडर जो है जारी किया है, यानी कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, ये दोस्तों फिर से जो है न्यू डेट जो है जारी की है। आइए दोस्तों देखते हैं, MPPSC ने दोस्तों ज़्यादातर एग्ज़ाम की डेट जो है बदल दी है। तो दोस्तों देखते हैं, दोस्तों जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा है ये 2019 वाली ये मार्च में होगी, और सिविल ये वन सेवा वाली, और राज्य सेवा परीक्षा जो है 2019 वाली मुख्य परीक्षा ये 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में, कंप्यूटर प्रोग्रामर वाला एग्ज़ाम 30 अप्रैल का है। राज्य सेवा वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की जो परीक्षा सॉरी 22 की परीक्षा 21 मई की है। सेट का जो पेपर है दोस्तों 4 जून का है। दोस्तों सहायक कुल सचिव की पेपर जो है दोस्तों पहले मई में था, अभी जून में है, 25 जून को है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ये दोस्तों 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में है। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा ये दोस्तों 20 अगस्त की है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 ये सितंबर अक्टूबर में है, और दोस्तों राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा ये 8 अक्टूबर की है, और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 ये 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में है। और वही दोस्तों क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल परीक्षा ये 19 नवंबर की है, और राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा ये 10 दिसंबर की है, और दोस्तों कराधान सहायक परीक्षा ये आपकी 17 दिसंबर की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये MPPSC का रिवाइज एग्ज़ाम कैलेंडर है। ये आप यदि MPPSC की तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म भरे हैं, तो आपको जो है ज़रूर याद होना चाहिए, खास करके आपने जो फॉर्म भरे हैं उनकी डेट आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी दोस्तों डेट इसमें भी बदलाव हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी आप इसी डेट को सही मानकर जो है